हम लोगों ने पोएम कंप्लीट किया था और आज हम लोग लेसन स्टार्ट करेंगे। करण नेगी हाथ क्यों उठाया? कुछ पूछ, अभी सर ने मना किया फिर भी हाथ क्यों उठाया? हर्ष यादव, किसी को अगर कुछ भी पूछना है तो प्लीज आप चैट कर सकते हो, डायरेक्ट पूछ सकते हो। आपका जो भी पर्सनल डाउट है, जो भी है, आप सीधा पूछो। ये मैथ्स का लेक्चर नहीं है कि आप हाथ उठाओगे एक एक करके बताओगे ऑन द स्पॉट। जो क्योंकि प्रोज पढ़ाने जा रहा हूँ, कहीं भी कोई भी शब्द का मतलब नहीं समझ में आता है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, आप तुरंत चैट करके पूछ सकते हो। मैं लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूँ और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कोई भी हाथ उठाएगा नहीं, क्योंकि स्लाइड बार बार हटता है और इरिटेट करने के लिए ऐसा करोगे तो रिमूव कर दूंगा। ओके ओके डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। बहुत 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 अच्छा पाठ है और वाकई दिल को छू लेने वाला पाठ है। इसलिए दिल को छू लेने वाला है क्योंकि आज के समय में देखो, सब मानवता की, ह्यूमैनिटी की बहुत सारी बातें करते हैं, राइट? बट प्राणियों के प्रति जो एक अपनेपन की भावना है, वो बहुत कम लोग दिखाते हैं। आज देखो, केरला में कुछ समय पहले ही हाथी को बम खिला दिया। जो भी था, एक जो दर्द है जानवर का, बेजुबान प्राणी का, जो हमसे आपसे वो अपनी तकलीफ बता नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते हैं, उनके प्रति शायद हमें और नर्म दिली और ज्यादा जो है अपनापन दिखाना चाहिए, जिससे जानवर भी इंसान से जुड़ कर रहे। क्योंकि हम भी तो प्राणी हैं, अगर हम जिस चीज को महसूस कर सकते हैं, अगर हम उस चीज को अपने प्राणियों पर जो हमारे आसपास हैं, जो शायद जता नहीं सकते हैं, लेकिन शायद हम उनके हाव भाव से हम उनकी बातों को समझ सकें, तो बहुत अच्छी बात होगी। ये पाठ भी कुछ ऐसा ही कहता है। डियर स्टूडेंट, मैं चाहूंगा कि आप पाठ पे बहुत अच्छे से ध्यान दें और दिल से पढ़ें इस पाठ को। हाँ, मैं पाठ है लक्ष्मी। देख रहे हैं सामने एक गाय दिख रही है और उस गाय का नाम ही है लक्ष्मी। ठीक है, फिर से किसी ने हाथ उठाया और शुरू करते हैं। इसके पाठ के लेखक जो हैं, वो हैं गुरुबचन सिंह। गुरुबचन सिंह ने लक्ष्मी पाठ के माध्यम से लोगों के दिलों में छुपी हुई एक जो अपनेपन की भावना है, एक जो भावुकता है, एक जो हमारे दिल के अंदर एक सॉफ्ट प्लेस है। पारिख कौन है? कौन था सर पारिख? ये क्या प्रॉब्लम है इन लोगों का समझ क्या में? नाम है सर? क्या नाम है? पारिख करके था कोई? ये लोग जानबूझ के ऐसा करते हैं, बार बार बताने पे समझ में नहीं आता है, या फिर जानबूझ के इरिटेट करने के लिए ऐसा करते हैं। सर परीघा के पारिक पी से ही था कुछ, तो मैं देख नहीं पाया रीड करने के चक्कर में। ओके okay. अब सोचो, एक बार ये लोग ऐसे कर देंगे, फिर बार बार मुझे ऐसे पूरा टाइम वेस्ट होएगा। उस दिन लड़के ने तैश में आकर लक्ष्मी की पीठ पर चार डंडे बरसा दिए थे। उस दिन मतलब स्मिथ 1701, स्मिथ निकाल निकाल दिया सर उसको। निकाल दिया ना? देखो यस सर। ना सर, ये लोग जानबूझ के। अब फिर से मैं पूरा चेंज करूं।
अगर ऐसे तुम लोग करोगे तो मैं पर देव ठीक है। तो उस दिन लड़के ने उस दिन मतलब एक दिन लड़के ने तैश में आकर मतलब गुस्से में आकर प्लीज मीनिंग लिखते चलेंगे गुस्से में आकर क्रोध में आकर लक्ष्मी के पीठ पर चार डंडे बरसा दिए थे। चार डंडे बरसाना, डंडे बरसाना मुहावरा है जिसका अर्थ होता है मारना, डंडे बरसाना या मारना। वह बहुत वह बड़ी भयभीत और घबराई थी। वह मतलब लक्ष्मी एक दिन बच्चे ने बहुत गुस्से में आकर पता नहीं क्यों गुस्से में आकर लक्ष्मी गाय के पीठ पर कई डंडे मारे, चार डंडे मारे। अब डंडे पड़ने से गाय बहुत घबरा गई, बहुत भयभीत हो गई। जो भी उसके पास जाता सिर हिलाव से मारने की कोशिश करती, घबरा गई थी। अब डंडे पड़ने से मार खाने से गाय के व्यवहार में जो परिवर्तन आया वो परिवर्तन क्या था कि जो भी उस गाय के पास जाता सिर हिलाकर उसे मारने की कोशिश करती। अश्विन काशिद घाटकों पर, सर आप प्लीज खाली सुनते रहो मैं बताऊंगा ना। क्या नाम है सर? अश्विन काशिद घाटकों पर। वह बड़ी भयभीत, वह बड़ी भयभीत और घबराई थी। जो भी उसके पास जाता सिर हिला उसे मार। ध्रुव सर आवाज आ रही है? ध्रुव सर हेलो 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 सर आवाज आ रही है? ओके थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू। ओके तो जो भी उसके पास जाता सिर हिला मारने की कोशिश करती या फिर उछलती कूदती। कौन है गोइनी? क्या क्या ये लोग करते रहते हैं सर? सर ये कोई बाहर का है सर ये। हाँ या फिर उछलती कूदती गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आजाद होने का प्रयास करती। यहाँ पे एक शब्द आया खूंटा, आप स्क्रीन पे देखिए घाटकोपर रितिका। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये देखिए जमीन में गड़ा हुआ एक लकड़ी, मजबूत लकड़ी जिसके सहारे गाय को या जानवर को बांधा जाता है उसे खूंटा कहते हैं। तो अपनी रस्सी खूंटे से तोड़ आजाद होने का प्रयास करती है, आजाद मतलब स्वतंत्र होने का, क्योंकि वो वहां से हट जाना चाहती थी। इसलिए जो है शायद ऐसा कर रही थी क्योंकि उसे मार खाने का डर था। किसे? लक्ष्मी गाय को। आगे बढ़ते हैं। करामत अली इधर दो चार दिनों से अस्वस्थ था। अस्वस्थ का अर्थ होता है बीमार। करामत अली कौन? उस गाय का मालिक जो कुछ दिनों से दो चार दिनों से बीमार था। लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए हैं तो उसे रहा नहीं गया, उसे बहुत तकलीफ हुई क्योंकि गाय को उसने बहुत प्यार से पाला था। बीमारी की अवस्था में भी करामत से रहा नहीं गया, वह किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आया। स्टूडेंट्स बथान का अर्थ होता है गाय बैल के बांधे जाने का स्थान या जहां पर उनको खाने के लिए एक जगह बांधा जाता है उसे बथान कहते हैं। मीनिंग लिखते जाएंगे प्लीज। हाँ सब लोग आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरा।
धीरे धीरे बीमारी की अवस्था में भी चारपाई से उठकर बथान में जहां पर जानवर को बांधा जाता है वहां पे करामत गया और उसने प्यार से आगे बढ़कर अपनी गाय के माथे पर हाथ फेरा, मतलब प्यार जताया और पुचकारा। पुचकारने का अर्थ होता है प्यार से पुकारना, लक्ष्मी। और हौले से धीरे से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। लेकिन आप समझ सकते हैं जब उसने गाय की पीठ पर हाथ फेरा तो गलती से उसका हाथ उस जगह पड़ा जहां पर उसे मार पड़ी हुई थी। लक्ष्मी के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। सिहरन मतलब कपकपी, मतलब उसका पूरा बदन कांप गया, क्योंकि करामत के पहले अभी तक किसी ने उसके दर्द को समझने का प्रयास नहीं किया था। उसका बेटा आया और मार के गया और पिता आ रहा है, उसके प्रति प्यार जता रहा है और जब उसे अपनेपन का भाव लगा तो उसका पूरा शरीर कांप गया और धीरे से उसने कहा, ओह कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है, कमबख्त दुष्ट ने, ना समझ बच्चे ने कितनी बेदर्दी से, बेदर्दी मतलब बेरहमी से पीटा है। उसकी बीवी रमजानी बोली, लो चोट की जगह पर यह रोगन लगा दो, बेचारी को आराम मिलेगा। रोगन का मतलब होता है घर में बनाई गई दवा, तेल में मिलाकर बनाई गई दवा, घरेलू दवा ही उसको कहेंगे। तो उसने इस तरह से कहा, क्या है, बादर्ड, क्या है बादर्ड, क्या है शुभम, विराज पांडे, विराज पांडे कौन है भाई, मलहम, रोगन मतलब मलहम, मलहम दवा, घरेलू दवा जिसमें सरसों का तेल, लाप भी बोल सकते हैं। लाप क्या होता है, आकृति लाप नहीं होता है, मैं बता रहा हूं आपको। तेल, तेल में हल्दी, हल्दी के साथ में कांदा, ये सब मिला के गर्म करके जहां पे लगाया जाता है वो मिक्स जो दवा बनाते हैं उसी को रोगन बोलते हैं, ठीक है। तो बेचारी को आराम मिलेगा, इस तरह से जब उसकी पत्नी ने कहा, कमबख्त मतलब दुष्ट, मीनिंग दिख रहा था कृष्णा, कमबख्त मतलब दुष्ट। करामत अली गुस्से में बोला, क्योंकि जब उसकी पत्नी ने उसे रोगन दिया तो अपनी बीवी को देखकर बेटे के ऊपर गुस्सा और बढ़ गया और उसने कहा, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाएं, कहीं इस तरह पीटा जाता है। जिस डंडे से उसने मेरी गाय को मारा है उसी डंडे से मैं उसके, तुम्हारे बेटे के दोनों हाथ तोड़ दूं तो क्या अच्छा लगेगा तुमको? अरे कहीं जानवर को इस तरह से मारा जाता है? कमबख्त मतलब दुष्ट, चैट करने में कान को मत इधर उधर करो, चार पांच बार रिपीट कर रहा हूं, कमबख्त मतलब दुष्ट। रमजानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया। आप देखेंगे ये कहानी कन्वर्सेशन के माध्यम से आगे बढ़ रही है, एक दूसरे से बातचीत करते हुए आगे बढ़ाई जा रही है और यही इस कहानी की सबसे अच्छी क्वालिटी है। विराज पांडे सेकेंड टाइम, सर इनको निकाल दो तुरंत, सर आनंद, ये क्वेश्चन का क्या मतलब है यहां पे स्टोरी में कि करामत अली मुस्लिम था, क्या करोगे उसके नाम पे, कुछ कॉपीराइट करना है तुमको? जेबी नगर आनंद, रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही फिर वहां से हटती हुई बोली, कुछ पल वहीं पे खड़ी रही फिर वहां से हटती हुई बोली, देखो अपना ख्याल रखो,
पांव इधर उधर गया तो कमर सिकवाते रहोगे। सिकवाने का मतलब होता है गर्म पानी या बर्फ से सेंकना। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि जहां जानवर बांधे जाते हैं वहां पे गाय का मल मूत्र रहता है, गोबर, पेशाब करते हैं, तो वहां पे ना कीचड़ जैसा हो जाता है। और करामत पहले से बीमार था, कमजोर था, तो पत्नी को लगा कि अगर इधर उधर पैर फिसला और ये गिर गया तो कमर में चोट आएगी। इसीलिए पहले से ही सावधान किया कि देखो तुम भी अपना ख्याल रखो, ज्यादा देर यहाँ खड़े मत रहो, नहीं तो अगर गिरोगे तो फिर कमर सिकवाना पड़ेगा, चाहे गर्म पानी से सिकवाओ चाहे बर्फ से सिकवाओ। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई, मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया और कहा, माफ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है, उम्र के साथ तू भी बूढ़ा गई है। रहमान मूर्ख है, बच्चा है अभी, नादान है, और तू उम्र के साथ तू भी तो बूढ़ी हो गई है, मतलब अब तुम दूध नहीं दे सकती हो। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार ही कह दिया था, यह तेरा आखिरी बरस है। डेयरी फार्म कौन? डेयरी फार्म पता है ना, जहां से जहां जानवरों का दूध निकाल के बेचा जाता है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, वहां पे आते हैं जानवर के डॉक्टर देखभाल करने के लिए। तो उसको दिखाया था लक्ष्मी को, तो लक्ष्मी को देखकर उसने बोल दिया था, ये आखिरी बरस है इसका दूध देने का, अब ये फिर दूध नहीं दे पाएगी क्योंकि बूढ़ी हो गई है ये। लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही। वो करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। अब यहां से कहानी में थोड़ा सा एक नया मोड़ आता है और लक्ष्मी के अतीत के बारे में, उसके पास्ट के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। कहते लक्ष्मी शांत खड़ी रही क्योंकि उसका मालिक उसके पास खड़ा था और उसके जख्म मतलब घावों पर तेल लगवा रही थी। वो आराम से खड़ी थी शांत होकर, जहां उसको लगा था चोट वहां पे अपना तेल लगवा रही थी। अब उसके बारे में लेखक ने बताया कि वह मतलब लक्ष्मी करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। ज्ञान सिंह की निशानी कैसे थी? मित्र ज्ञान सिंह ने करामत अली को वह गाय सौंपी थी। ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी तो थे ही, पड़ोसी थे, वे कारखाने में भी एक ही विभाग में काम करते थे। अब यहां पे देखो कई चीजें बताई हैं ज्ञान सिंह और करामत के बीच में समानता, कि भाई वो दोनों एक दूसरे के नेबर थे, पड़ोसी थे, और पड़ोसी होने के साथ साथ एक ही कंपनी के एक ही विभाग में एक ही डिपार्टमेंट में काम करते थे, प्रायः एक साथ ड्यूटी पर जाते थे। शुभम डीएन नगर की जेबी नगर कौन था? शुभम। क्या कर रहे हैं ये लोग, समझ में नहीं आ रहे सर। आज के पहले तो इतना ज्यादा इरिटेट नहीं किया इन लोगों ने। डीएन नगर प्रायः मतलब अक्सर होता है। कारखाना मतलब फैक्ट्री होता है। हाँ सही है आकृति, बिल्कुल सही है। मयंक पीपीटी कहां से दिखेगा, बीच में देखो ना, एक एक लोग आके अपना बाहुबल दिखा के जा रहे हैं, क्या कहें बताओ। अब कौन था सर? शुभम। हाँ शुभम था, शुभम पवार। हाँ बराबर, भाग गया सर वो खुद ही। क्या कर रहे लोग, अपने ही बच्चे हैं ना? पता नहीं सर, ये बताना बड़ा मुश्किल है सर कि अपने ही बच्चे, क्योंकि इसमें कुछ लोग ऐसे नाम बदल के भी आ सकते हैं। ये कहना कि अपने ही बच्चे हैं तो थोड़ा मुश्किल है सर। बट ऑफ कोर्स सर, कोई ना कोई कर रहा है। विहान घाट को पर विहान, ये तो चारों तरफ से आज अटैक कर रहे लोग। राहुल सर प्लीज खुद को अनम्यूट कीजिए प्लीज। घाटकोपर के राहुल सर,
राहुल शर्मा सर, प्लीज खुद को अनम्यूट करें। राहुल शर्मा सर फ्रॉम घाटकोपर, प्लीज। हाँ सर, राहुल सर, ऐसा कोई बच्चा है क्या सर अपने इधर विहान करके? हाँ सर, विहान खुराना करके एक है। वो भी बार बार परेशान कर रहे हैं। बात करें सर जरा उसे, पेरेंट्स से फोन करके बात करता हूँ सर उससे। हाँ सर, और उनको क्लियर वार्निंग दीजिएगा सर कि वापस ऐसा हुआ तो हिंदी का एक भी लेक्चर नहीं बिठाया जाएगा। जो आपने नाम बताया मैंने उनको मैसेज किया हुआ है। मैं बाकी तो करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। कैसे निशानी थी वही कहानी में आगे बताया कि ज्ञान सिंह करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी थे, मतलब एक दूसरे के आसपास में रहते थे और एक ही कारखाने के एक ही विभाग मतलब एक ही डिपार्टमेंट में काम करते थे। प्रायः हम अक्सर, प्रायः मतलब अक्सर, मोस्टली ज्यादातर एक साथ ड्यूटी पर जाते। उनका जो रूटीन था वो भी बिल्कुल एक जैसा था क्योंकि एक ही कारखाने के एक ही डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। शाम को साथ में जा रहे हैं, नेक्स्ट डे मॉर्निंग साथ में आ रहे हैं। तो सोचो कितना ज्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताते थे ज्ञान सिंह और करामत अली। तो प्रायः एक साथ ड्यूटी पर जाते और एक साथ ही घर लौटते। ज्ञान सिंह की एक खासियत थी कि ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। मवेशी का मतलब होता है दूध देने वाले जानवर। गैलेक्सी J5 ये नया बंदा है कोई, गैलेक्सी J5 तो भाग गया हो। हाँ, भाग वो अननोन है, अननोन है, भाग गया सर। उसने हैंड्स अप किया, उसने रेज अप किया है। वजह पर भैंस या गाय बधी रहती। मवेशी मतलब दूध देने वाले जानवर, दूध देने वाले पालतू जानवर से गाय भैंस बकरी एक्सेट्रा। तो प्रायः अक्सर हम देखते कि उसके मतलब ज्ञान सिंह के घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बधी रहती, मतलब कोई ना कोई जानवर वो पाल कर ही रखता था। ठीक है, 3 बरस पहले, पिछले 3 साल पहले की बात है, उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी। जर्सी गाय, गाय की एक नस्ल है जर्सी। तो जर्सी गाय खरीदी, उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। क्या नाम रखा? लक्ष्मी, अधेड़ उम्र की लक्ष्मी। तभी आधी उम्र की थी। गाय और भैंस की जो उम्र होती है लगभग 24 से 28 ईयर होती है और 5 या 6 बार ही जो है गाय या भैंस माँ बन सकती हैं, दूध दे सकती हैं। तो उनके बारे में बताया कि अधेड़ उम्र की थी, वैसे ही पहले आधी उम्र की हो चुकी थी वो, लेकिन फिर भी लक्ष्मी इतना दूध देती थी, इतना ज्यादा दूध देती थी कि उससे घर की जरूरत पूरी हो जाने के बाद, घर की सारी जरूरतें पूरी हो जाती थी, उसके बाद भी बाकी जो दूध बच जाता था वो गली के कुछ घरों में चला जाता। चला जाता मतलब मुफ्त में नहीं, बेच देते थे। अब बेचने के नाम से आपको डाउट हो सकता है कि अच्छा ज्ञान सिंह लगता है दूध का धंधा करता था। तो लेखक ने क्लियर किया, नहीं भाई, दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था। धंधा मतलब व्यापार, वो दूध का व्यापार नहीं करता था। तो केवल गाय को चारा और दर्रा आदि देने के लिए कुछ पैसे जुटा लेता था, मतलब जो थोड़ा दूध बेच देता था उससे जो पैसा आता था गाय को खिलाने के लिए चारा और दर्रा। दर्रा मतलब क्या हुआ? क्या हुआ सर? तीन तीन लोग पता नहीं कैसे आके ये लोग क्या कर रहे हैं। उद्धव पांडी, नहीं सर रुको, इनको निकाल देता हूँ सर। विहान खुराना, ये विहान खुराना वही है सर जो हाथ ऊपर कर रहा था। क्या है इन लोगों को प्रॉब्लम? उद्धव को भी निकाल दीजिए सर। हाँ सर,
Students, I am locking the meeting now. So in case you people get disconnected, you will not be able to come in. So make sure that your DN Nagar is good. Chirag Sagar. Who is this? Chirag Sagar. DN Nagar. क्या हुआ सर? ये इसने भी अभी देखिए एडमिट के लिए ये भेजा. क्यों ऐसा करते हैं लोग? पढ़ने का मन नहीं रहता तो आने का नहीं क्लास में. आके ऐसा कीड़े करते हैं लोग. एक आध दिन तो इनके पेरेंट्स को भी साथ में कनेक्ट कर लेने का सर. देखिए कि ये लोग कितना कीड़े कांडी करते हैं. अब नहीं होगा सर. लॉक कर दिया मैंने मीटिंग. अब जो भी बच्चा बाहर जाएगा वो अंदर नहीं आ पाएगा. ठीक है. थैंक यू सर. देखिए ना बार बार पूरा मुझे फिर से पूरा रिपीट करना पड़ता है. हाँ तो दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था. केवल गाय को चारा, चारा मतलब घास या भूसा खिलाने के लिए, और दर्रा मतलब अनाज के टुकड़े जो भूसे में मिलाकर जानवर को खिलाया जाता है, आदि देने के लिए कुछ पैसे जुटा लेता था. दूध सिर्फ इसीलिए बेचता था, और वो भी बचा हुआ दूध बेचता था जो घर से बच जाता था. नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह अपनी नौकरी से अवकाश मतलब रिटायरमेंट के बाद, ज्ञान सिंह को कंपनी का वह मकान खाली करना था जिस मकान के एक दूसरे के पड़ोसी थे ज्ञान सिंह और करामात. वो मकान कंपनी का था, दोनों का नहीं था, क्योंकि कंपनी ने उनको सुविधा दी थी रहने के लिए, और वहां पर उन्होंने जानवर पाल के रखे थे. तो वो मकान खाली करना था क्योंकि रिटायरमेंट के बाद अब उसे जाना था. समस्या थी तो लक्ष्मी की कि हम तो चले जाएंगे अपने गांव, लेकिन गाय को कैसे ले जाएंगे? वो लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था. उसे अपने साथ ले जाना भी संभव नहीं था. कैसे लेके जाता इतना दूर? जब अवकाश में 10-15 दिन ही रह गए, मतलब ये रिटायरमेंट के बाद घर जाने के लिए मात्र 10-15 दिन रह गए, तो करामत अली से ज्ञान सिंह ने कहा, मियां अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दो तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? मियां मतलब मिस्टर, या हिंदी में कहेंगे तो श्रीमान. श्रीमान करामत जी, अगर मैं आपको अपनी गाय लक्ष्मी सौंप दूं, ऐसे ही दे दूं मित्रता में, तो क्या आप उसे स्वीकार करोगे, मतलब उसे अपनाओगे, उसकी सेवा करोगे? आवाज नहीं आ रही है स्नेहा? बाकी सबको आवाज आ रही है मेरी? हाँ स्नेहा, आपका नेटवर्क थोड़ा स्लो होएगा. आप थोड़ा सा देखो, वेट करो, आ जाएगी आवाज. देखो सबके आ रही है. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. बस 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 फीडबैक मिल गया मुझे. तो इस तरह से कहा जब कि क्या तुम मेरी गाय को स्वीकार करोगे, तो मियां करामत अली ने कहा था, नेकी और पूछ पूछ. अरे भाई तुम अच्छा काम कर रहे हो. नेकी मतलब अच्छा ही, अच्छा काम कर रहे हो तुम, है ना? नेकी मतलब अच्छा ही, भलाई. और तुम पूछ पूछ के, एक तो तुम अपनी गाय, वो भी दूध देने वाली गाय, तुम मुझे दे रहे हो, ऊपर से पूछ भी रहे हो. अरे भला इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है? खुशनसीबी, नसीब की बात, मेरी किस्मत की बात, और क्या इससे अच्छी हो सकती है कि मेरा मित्र मुझ पर भरोसा करके अपनी गाय मुझे सौंप रहा है, दे रहा है. करामत अली पिछले एक वर्ष से, ये तो फ्लैशबैक की बात थी, अब हम प्रेजेंट में आते हैं. करामत अली पिछले एक वर्ष से, पिछले एक साल से उस गाय की सेवा करता चला आ रहा था. एक साल हो गया आज उसके पास गाय रहते हुए. गाय की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी. कसर मतलब कमी, कोई कमी नहीं रखी थी उसने. वो बड़े जतन से, बड़े प्यार से पालता था जानवर को. गाय की बहुत अच्छे से देखभाल करता था करामत. जैसा कि उसके मित्र ने कहा था, वर्षा. कौन है वर्षा?
ये भी लगता है अननोन ही है क्योंकि इसमें कोई ब्रांच नहीं दिखा रहा था इसके नाम में। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ, वह उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। लक्ष्मी स्थिर खड़ी उसकी ओर जिज्ञासा पूर्ण दृष्टि से देखती रही। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, इत्मीनान मतलब भरोसा। वो क्योंकि खड़ी थी, यही हमने पहले भी पढ़ा था दो पैराग्राफ पहले कि करामत अली जो है उसको रोगन लगा रहा था और वो एकदम आराम से खड़ी होकर अपने जख्मों पर मलहम लगवा रही थी, दवा लगवा रही थी। यहां पर भी वही लेखक ने कहा कि रोगन लगाने के बाद भी करामत अली को इत्मीनान नहीं हुआ, तसल्ली नहीं हुई। भरोसा से अच्छा शब्द है तसल्ली, तो तसल्ली लिखो। वह उसके सिर पर हाथ फेरता रहा, उसके प्रति प्यार जताता रहा। लक्ष्मी स्थिर खड़ी रही, एक जगह शांत खड़ी रही और उसकी ओर, करामत की ओर जिज्ञासा पूर्ण दृष्टि से देखती रही। जिज्ञासा मतलब क्यूरियोसिटी, उत्सुकता, जानने की इच्छा की नजर से देखती रही। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो, क्योंकि वो अपने आप को थोड़ा गिल्ट फील कर रहा था ना। घाटकोपर ब्रांच, अमन सिंह सर इनको निकालो बाहर, क्या मुसीबत है यार आज तो। ध्रुव सर कसर मतलब कमी। हाँ तो करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान मतलब तसल्ली नहीं हुआ, वह उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। लक्ष्मी स्थिर एक जगह शांत खड़ी रही और जानने की उत्सुकता भरी नजरों से करामत को देखती रही। अवनीश मैं समझा नहीं, अवनीश आप क्या कहना चाहते हो? मैं समझा नहीं। एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर मुझे वो सब इतना टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं है, जाने दो। तो करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती है, क्या कहना चाहती है? यहाँ पर देखो जानवर का, बेजुबान जानवर का यहाँ पे पर्सनिफिकेशन किया, मानवीकरण किया है। जैसे इंसान इंसान से कहता है वैसे गाय जैसे कहना चाहती हो, क्या यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूं तो मुझे आजाद कर दो। गाय ऐसा जैसे कह रही है। अवकाश मतलब छुट्टी, यहाँ पर छुट्टी से मतलब नहीं है, यहाँ पर रिटायरमेंट से मतलब है, ठीक है। तो यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूं तो मुझे आजाद कर दो, छोड़ दो मुझे, जाने दो यहां से, मैं यह घर छोड़कर कहीं चली जाऊंगी, जैसे गाय ये बात कहना चाहती हो। करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था, करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था, तभी रमजानी बोली, रहमान के अब्बा अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे? क्या खूंटे से बांध कर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे बस? करामत ने कहा, अरे भाई जानवर है, बधा है, तो उसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। रमजानी ने कहा,
जानते हो इस महंगाई के जमाने में सिर्फ सादा चारा देने में ही 350 महीने का खर्चा है, कहां से आएगा? इस जमाने में, मतलब इस समय, आज के समय में अगर कोई जानवर आप पालते हो और उसको कुछ दरी खल्ला, क्या बोलते हैं, खली और दर्रा कुछ आप खिलाते नहीं हो, सिर्फ भूसा खिलाते हो, तो भी महीने भर के भूसे का इंतजाम करने के लिए भी आपको 350 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। किसने कहा? रमजानी ने कहा। किससे कहा? करामत से कहा। घर से निकलकर कारखाने की तरफ हो लिया। कौन? करामत घर से निकल गया, अपनी पत्नी की बातों को अनदेखा करके घर से निकला और कारखाने की तरफ जाने लगा। रास्ते में वह रमजानी की बात पर विचार कर रहा था, सोच रहा था रमजानी की बात को। हाँ, लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो उसका क्या करेंगे। बात तो सही कहा पत्नी ने कि अगर ये दूध नहीं देगी अब तो हम इसका क्या करेंगे। यह ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं था कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खूंटे से बात कर मुफ्त में खिलाना भी पड़ सकता है। ये ख्याल कब नहीं आया? जब उसके मित्र ने उसे गाय देनी चाहिए और उसने बड़े प्यार से स्वीकार कर लिया, तब उसने ये नहीं सोचा था कि एक वक्त आएगा जब गाय दूध देना बंद कर देगी, तब मैं इसका क्या करूंगा। ये समय, उस समय तो ये बात दिमाग में नहीं आई थी। उस समय तो ये दिख रहा था कि गाय दूध दे रही है, बस मिल रही है मुफ्त में, ले लो। कारखाने गया, कारखाने में काम में लग गया, लेकिन चेहरे पर एक उदासी, एक चिंता की लकीर दिखाई दे रही थी। उसका मित्र नईम मिला और नईम ने उसे कुछ परेशान देखा तो पूछा, करामत मियां, क्या बात है, बड़े परेशान नजर आते हो, अरे खैरियत तो है? खैरियत मतलब सब ठीक तो है? ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, करामत ने कहा। नहीं, कोई खास बात नहीं है, लेकिन बात है, लेकिन कोई खास नहीं है। तो नईम ने कहा, कुछ तो होगा, तभी बड़े चिंता में दिखाई दे रहे हो। तो करामत ने कहा, क्या बताऊं, गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, गाय ने दूध देना बंद कर दिया, बूढ़ी हो गई है, बैठा कर खिलाना पड़ेगा और इस जमाने में गाय भैंस पालने का खर्चा। जब इस तरह से कहा कि भाई बहुत खर्चा है, गाय ने दूध देना बंद कर दिया, अब उसको मुफ्त में खिलाना पड़ेगा, उसके ऊपर इतना खर्चा, अभी इस थोड़ी सी चिंता दिमाग में चल रही है। तो नईम ने कहा, अरे इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है मियां, गाय बेच दो, मतलब अगर समस्या बन रही है तो बेच दो उसे। लेकिन नईम ने ये नहीं समझा कि अगर गाय दूध नहीं दे रही है तो उसे खरीदेगा कौन। अब आगे, खैरियत मतलब सब ठीक ठाक है, कुशल है। करामत अली ने हौका भरते हुए कहा, हौका भरते हुए मतलब एक लंबी सांस लेते हुए, दीर्घ निःश्वास, दीर्घ मतलब लंबी, निःश्वास मतलब लंबी सांस लेते हुए भरते हुए कहा, हाँ, परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है। कैसे? बहुत आसान तरीका है, लक्ष्मी को बेच दिया जाए। वह नईम के पास से हटकर अपने काम में जुट गया, मतलब उस बात को वो सोचना नहीं चाहता था, अवॉइड करना चाहता था, अनदेखा करना चाहता था, इसके लिए नईम के पास से हटा, अपने काम में लग गया, ये सोचकर कि हाँ, जो तुम कह रहे हो आसान तरीका तो है, बेच दिया जाए, लेकिन मेरे लिए क्या गाय को बेचना इतना आसान होगा? ये उसके मन की चिंता थी और ये सोचकर इस बात को अनदेखा करके वो अपने काम में लग गया। करामत अली रात का गया सवेरे कारखाने से घर लौटा और ये उसका रोज का रूटीन था, रोज की दिनचर्या थी उसकी, रात को जाता सुबह आता। जब कारखाने से घर लौटा, रात की ड्यूटी से घर लौटने पर ही वह लक्ष्मी को धोता था। उसे याद आ गया कि जब मैं रोज सुबह कारखाने से घर वापस आता था तब तक मेरी पत्नी और बेटा गाय को, लक्ष्मी को खिला कर रखते थे और मैं आते ही उसका दूध निकालता था, दुहता था मतलब दूध निकालता था। घर में घुसते ही उसने रमजानी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया? क्या तुम लोगों ने अभी तक लक्ष्मी को खाना नहीं दिया कुछ भी? मतलब दिन इतना समय हो गया और सुबह सुबह जल्दी ही जानवर को खिलाया जाता है क्योंकि जानवर को ज्यादा भूख लगती है। रमजानी बोली,
रहमान से कहा तो था दे देना। करामत समझ गया कि पत्नी जान छुड़ाने वाली बात कर रही है। उसने डांटते हुए कहा, तुम दोनों की मर्जी होती तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता। अरे अगर दूध नहीं दे रही है तो क्या उसे भूखा रखोगे? अगर जानवर दूध नहीं दे रहा है तो क्या उसे भूख से मारोगे? अगर घर पे बधा है तो हमारे भरोसे है, उसे खिलाना तो पड़ेगा। इस तरह से तुम लोग कैसे अनदेखा कर सकते हो? कहते हुए करामत कटा हुआ पुआल, पुआल मतलब होता है चावल की जो फसल होती है तो उसकी जो घास होती है उसे पुआल कहते हैं। पुआल, कटा हुआ पुआल मतलब भूसा। खली, खली का मतलब होता है जो सरसों होता है ना, मस्टर्ड, तो जब उसका तेल निकाला जाता है मशीन में डाल के, तो एक तरफ तेल निकलता है, एक तरफ उसका कचरा निकलता है। वो जो कचरा होता है ना, उसी को खली कहते हैं। खली मतलब खाली बचा हुआ, बेकार बची हुई चीज, जो वेस्ट चीज है। और दर्रा, दर्रा मतलब मैंने आपको बताया कि अनाज के टुकड़े आदि ले जाकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। सानी का मतलब होता है कि पुआल, खली, दर्रा सब कुछ एक में ही मिक्स कर देना, मिला देना, पेस्ट बना देना, उसे सानी कहते हैं। सानी तैयार करने लगा अर्थात मिलाने लगा। लक्ष्मी उतावली सी तैयार हो रही सानी में मुंह मारने लगी। लक्ष्मी उतावली सी, उतावली मतलब एकदम जल्दबाजी में थी, उसको जोर से भूख लगी थी, कुछ मिला नहीं था खाने को, और एक तरफ करामत जो है उसके लिए खाना तैयार कर रहा था और वो तड़फड़ा रही थी, इधर से उधर उछल रही थी, और जैसे उसके सामने वह रखा वैसे वह मुंह मारने लगी अर्थात जल्दी जल्दी खाने लगी। मुंह मारना मतलब खाना। पुआल मतलब धान के सूखे डंठल, तना, वही घास समझ लो बस। खली का मतलब होता है तेल निकल जाने के बाद तिलहन का बचा हुआ हिस्सा। सानी का मतलब चारा, खली, दर्रा, मिला हुआ पशुओं को खाना। उतावली मतलब आतुर, बेसब्र या जल्दबाजी में। अब हम चल रहे हैं सेकेंड मॉड्यूल में। गाय का सानी, गाय को सानी देकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगा। पहले तो उसको खाने को दिया, जब गाय मन से एकदम अच्छे से खाने लगी तो वो देखने लगा कि जहां कल उसने एक दिन पहले पीठ पर रोगन लगाया था, दवा लगाई थी, तो वहां पे देखने लगा कि भाई दवा ने कुछ उसको फायदा किया कि नहीं किया। और क्या देखा उसने? रोगन ने अच्छा काम किया था। रोगन ने मतलब उस दवा ने काफी फायदा किया, दाग कुछ हल्के पड़ गए थे। पूर्ण भूतकाल है, काल परिवर्तन में आपको ये सेंटेंस पूछा जाता है, दाग कुछ हल्के पड़ गए थे, पूर्ण भूतकाल में है। तो देखा कि जहां पे जख्म था वहां पे अब दाग नहीं है, थोड़े हल्के हो गए हैं, मतलब आराम हो रहा है। 10-15 दिनों से यूं ही चल रहा था। क्या चल रहा था 10-15 दिन से? देखा कि 10-15 दिन से वही बीवी बच्चे ठीक से उसको खाना नहीं देते, वो वापस लौट कर आता तो उसको खिलाता, मतलब वो जो ध्यान देता तो जानवर को खाना मिलता, अगर नहीं ध्यान देते तो जानवर को खाना नहीं मिलता। ऐसे ही 10-15 दिन से चल रहा था, क्योंकि अब गाय ने दूध देना बंद कर दिया था। एक दिन जब करामत अली ने पुआल लाने के लिए, भूसा खत्म हो गया तो भूसा लाने के लिए पैसे मांगे, रमजानी से पैसे मांगे, तो वह बोली, मैं कहां से दूं? अरे पहले तो दूध की बिक्री के पैसे मेरे पास जमा रहते थे, उनमें से दे देती थी, अब कहां से दूं? क्योंकि ना अब दूध हो रहा है, ना दूध बिक रहा है, ना पैसे आ रहे हैं। जी के सुजाल, कौन है जी के सुजाल? जी के मतलब घाटकोपर। मैं कहां से पैसे दूं, पहले तो दूध की बिक्री के पैसे मेरे पास जमा रहते थे, जो दूध बिकता था उसके पैसे जो आते थे मेरे पास जमा रहते थे, उनमें से दे देते थे, लेकिन अब तो है ही नहीं पैसा, क्योंकि दूध ही नहीं बिक रहा, तो मैं अब कहां से पैसे दूं? लेकिन फिर भी उसने बिल्कुल मना नहीं किया, और संदूकची में से
संदूकची मतलब वो छोटी सी पेटी या छोटा सा ट्रंक बॉक्स जिसमें पैसे रखे जाते हैं, उसमें से 20 का नोट निकाला और करामा से कहा, लो या राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे, हमने अपने घर के राशन के लिए कुछ पैसे रखे थे राशन भराने के लिए। कहते हुए रमजानी ने संदूकची में से एक 20 का नोट निकालकर उसे थमाते हुए कहा, इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। करामत ने ले लिया 20 रुपए, संदूकची मतलब लकड़ी या चमड़े का छोटा बॉक्स, थमाते हुए देते हुए करामत ने कहा, ठीक है इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन तो निकल जाएंगे। जब इस तरह से कहा कि 2-4 दिन निकल जाएंगे, तो आदमी के राशन की तरह तो जानवर के राशन लाए नहीं जाते, उनके तो महीने और साल के राशन भराए जाते हैं क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा तो खाते नहीं है। पत्नी ने समझाते हुए दुखी स्वर में कहा अपने पति से, आखिर इस तरह कब तक चलेगा। रमजानी दुखी स्वर में बोली, वो दुखी थी, बहुत दुखी थी। उसने दुखी स्वर में कहा कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा, हम कब तक 2-2, 4-4 दिन जो है इस तरह से वो करेंगे, हम कब तक जो है उसको अपना पेट काट कर खिलाएंगे। तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो। पत्नी ने कहा, अरे इसका गले की रस्सी जो है गाय के वो निकाल दो और खुला छोड़ दो, ये अपना चारा खुद ढूंढ लेगी, बाहर जाएगी निकलेगी। आजमा कर मतलब एक बार प्रयास करके तो देखो, कहते हो तो ऐसा करके देख लेंगे। करामत ने कहा, और अगले दिन क्या हुआ आइए देख लेते हैं। दूसरे दिन रहमान, करामत नहीं है रहमान बेटा, सीन गलत है यहाँ पे स्क्रीन पे। तो दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके मतलब क्षेत्र से बाहर, इलाके मतलब एक मिनट, इलाके क्षेत्र से बाहर जहां नाला बहता है, जहां नाले में पानी बहता है, वहां झाड़ झंकाड़ मतलब बहुत सारी घास और कहीं दूब के कारण, दूब मतलब दूरवा जो गणेश जी को चढ़ाया जाता है, तो दूरवा के कारण जमीन हरी नजर आती है, हरी भरी नजर आती है, छोड़ आया वहीं पे कि यहाँ पे घास खा लेगी और नाले में पानी पी लेगी तो इसको सुकून रहेगा, ताकि जिससे वह घास इत्यादि खाकर अपना कुछ पेट भर ले, ले जाकर वहां पर उसने छोड़ दिया। ये एक बहुत बड़ी बात थी कि जिस जानवर को वो लोग जो है रखना नहीं चाहते थे, जान छुड़ाने के लिए ले जाके वहां पे उसको छोड़ दिया कि ठीक है अभी भाई, रस्सी भी निकाल ली कि अब तू आजाद है, यही हरी हरी घास खा, पानी पी, जा मुफ्त में। लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे बाद ही घर के सामने खड़ी थी, उसके गले में रस्सी थी, एक व्यक्ति उसी को हाथ में थामे कह रहा था, यह गाय क्या आप लोगों की है, जेबी नगर आर्या महाद्रिक, जेबी नगर आर्या महाद्रिक। दर्शन सर, क्या है यार, हर्ष 5:15 को होएगा। सर वापस कोई प्रॉब्लम? हाँ वो यहां तक हो गया था।
तो वो अजनबी आदमी जो लक्ष्मी गाय को लेकर आया और कितनी देर में, एक डेढ़ घंटे ही छोड़ के आके हुआ था रमजान को, तब तक गाय आ गई और कोई अजनबी आदमी उसके साथ में था और उसने पूछा, यह गाय क्या आप लोगों की है? रमजानी ने कहा हाँ। उसने कहा यह हमारी गाय का सब चारा खा गई है, इसे आप लोग बांध कर रखें नहीं तो काजी हाउस में पहुंचा देंगे। अबे नई मुसीबत क्या है, काजी हाउस लिख लो, सरकारी मवेशी खाना जिससे लावारिस पशु बंद करके रखे जाते हैं, सिर्फ इतना लिख लो, सरकारी मवेशी खाना मतलब वह सरकारी स्थान गवर्नमेंट का जहां पर लावारिस बेकार के जो जानवर इधर उधर टहलते रहते हैं उनको वहां पर बंद करके रख दिया जाता था, और जिनको बंद करके रख दिया जाता था अगर गलती से कोई अपना अच्छा जानवर वहां पे छोड़ आया है तो उसे जो है ना वहां से मुक्त कराने के लिए, घर पे लाने के लिए पैसे देने पड़ते थे, फाइन भरना पड़ता था, और अगर गलती से आप नहीं छुड़ाने गए तो वो जानवर तो उसको बिना खाने पानी मिले वहीं पे मर जाते थे 2-4-10 दिन में। आवाज नहीं आ रही है शुभम? आवाज आ रही है, थोड़ा आपका नेटवर्क का इश्यू होएगा, बाकी सबको आ रही है। देखो थैंक यू आगे बढ़ते हैं। तो काजी हाउस समझे, अब आगे कहते हैं रमजानी चुप खड़ी आगंतुक मतलब आए हुए अचानक आए हुए व्यक्ति या अपरिचित व्यक्ति की बातें सुनती रही। वो बोल रहा था, डांट रहा था, धमका रहा था, वो सुन रही थी क्योंकि भाई गलती तो हुई ही थी। दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा तो रमजानी उससे बोली, मेरी मानो तो इसे बेच दो, इसे रख के कुछ मतलब है नहीं, बेच दो इसे। करामत ने कहा, फिर बेचने की बात करती हो, अरे कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को, इस बूढ़ी गाय को? रहमान कुछ कह तो रहा था, उसे कुछ लोग खरीद लेंगे। रहमान उसका बेटा, वो बेटा कह रहा था कि कोई कुछ लोग हैं जो खरीद लेंगे उस गाय को, बूढ़ी गाय को। उसने किसी से कहा भी है शाम को वह तुमसे मिलने भी आएगा तो मिल लेना जरा। करामत अली सुनकर खामोश रहा, चुप रहा, उसे लग रहा था सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है। वो जो जो चीजें नहीं चाहता है वो सब चीजें हो रही हैं उसकी इच्छा के खिलाफ हो रही हैं, शायद जिस पर उसका कोई वश नहीं था। वश का मतलब होता है अधिकार। करामत अली यहां अनुभव करते हुए, अनुभव करने का मतलब यहां पर क्या है, अनुभव करना मतलब एहसास करना। करामत अली ये एहसास कर रहा था कि जेवी नगर यश कदम, व्हाट आर यू डूइंग यार, क्या करते तुम लोग, अभी तुमको सर ने मना किया था, क्यों हाथ उठा रहे बार बार? हाँ, वश मतलब अधिकार, यहां तक हुआ। अब आगे सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है,
अभी तो चालू किया शुभम, क्या है आपको आवाज नहीं आ रही है, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, आपके इधर नेटवर्क का प्रॉब्लम है और स्क्रीन हट गया था। ठीक है अभी आ रहा है ना शुभम, दिख रही है। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। करामत अली यह अनुभव करते हुए, ये महसूस करते हुए कि लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है, तो लक्ष्मी है ना, अब इसकी चिंता इसकी फिक्र किसी को नहीं है घर में मेरे अलावा, अब किसी को नहीं है, खामोश रहा। अच्छा सीन क्या चल रहा है पता है, वो अजनबी आदमी आगंतुक आया, गाय लेकर आया, गाय के गले में रस्सी बंधी हुई थी, जबकि रस्सी छोड़कर आया था, वो अपनी रस्सी बांधा था। क्यों बांधा था? क्योंकि उसने अपने गाय के लिए जो चारा रखा था ये जाकर सब खा गई। अब इसने रस्सी बांधी और लेके आया, कहा करामत के घर पे लेके आया, पत्नी से पूछा ये गाय तुम्हारी है? उसने कहा हाँ, सुनाया उस जो भी, लेकिन करामत चुपचाप खड़ा रहा, ये सब सुनता रहा देखता रहा, और अब वो समझ गया था कि गाय की चिंता किसी को नहीं है, ये लोग अभी ले जाके इसको छोड़ दिए हैं, कल की कुछ और भी कर देंगे। तो उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा था उसके सामने डाल दिया, लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और फिर उसकी तरफ निराशापूर्ण आंखों से देखने लगी, जैसे कहना चाहती हो मालिक यह क्या, आज क्या मेरे फांकने को यह सूखा चारा ही है? फांकने को मतलब खाने को, मेरे खाने के लिए क्या आज ये सिर्फ सूखा चारा है, न दर्रा न खली कुछ नहीं। लेकिन अब आदमी उनकी बातें तो नहीं समझ सकता है। करामत अली उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़, नुक्कड़ मतलब गली का जो कोना होता है जो रास्ते से जुड़ा हुआ रहता है, नुक्कड़ पर नल की ओर चले गया। पहले गांव में ना 2-4, 10-20 घरों के बीच में एक नल होती थी और ज्यादा करके उसको सड़क के पास में पतले रास्ते के पास में लगा देते थे, जहां पर मोस्टली सब लोग वहीं पर जाकर अपना नहाने का, पानी पीने के, पानी भरने का सब काम वहीं से करते थे। तो जानवर को चारा देकर चले गए हाथ पैर धोने के लिए नल पे। 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लाया, शाम के 7-8 बजे के करीब रहमान लेकर आया, क्योंकि पहले पत्नी ने बताया था कि बेटे ने किसी से बात तो किया है और वो शाम को आएगा मिल लेना। करामत अली उसे पहचानता था, जो आदमी आया था उस आदमी को करामत पहचानता था, अच्छी तरीके से पहचानता था। इसके पहले कि उससे कुछ औपचारिक बातें हो, औपचारिक बातें मतलब कुछ फॉर्मेलिटी कि ठीक है आइए बैठिए, आप गाय खरीदने आए हैं भाई, चाय वाय लाओ, नाश्ता लाओ वगैरह वगैरह, तो ये औपचारिक बातें हो, उसके पहले ही करामत अली ने पूछा क्या तुम गाय खरीदने आए हो? उसने जवाब में कहा हाँ। करामत ने कहा अरे बूढ़ी गाय है, दूध दूध नहीं देती। उसने कहा तो क्या हुआ? करामत ने कहा अरे तुम इसे लेकर करोगे क्या? उस व्यक्ति ने कहा मैं कहीं और बेच दूंगा। करामत ने कहा ये तुम्हारा पुराना धंधा है ना, मैं जानता हूं मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। करामत मियां ने उसे कोरा जवाब दे दिया, कोरा मतलब सीधा सीधा जवाब दे दिया, मुझे तुमको गाय नहीं बेचनी, क्योंकि मैं जानता हूं ये तुम्हारा पुराना धंधा है कि तुम ऐसे ही जानवरों को, बेकार के जानवरों को खरीदते हो और ले जाके कसाई के हाथ बेच देते हो। रमजानी करामत के चेहरे के भाव भांपती हुई बोली, भांपना मतलब एक मिनट, चेहरे के भाव भांपना मतलब समझना, वो समझ गई ये गुस्से में है। पत्नी ने कहा क्या यह भी कोई तरीका है, आने वाले को खड़े खड़े धुतकार कर भगा दो, धुतकार कर मतलब बेइज्जत करके भगा दो, ये भी कोई तरीका है क्या? करामत ने कहा तुम जानती हो वह कौन है? करामत अली ने कटु स्वर में कहा, ऊंची आवाज में, डांटने के लहजे में कहा तुम जानती हो कौन है? अरे वह लक्ष्मी को ले जाकर वहां बेच आएगा जहां यह टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी, ये ले जाकर वहां पे बेचेगा जहां पर ये
गाय को काट कर बेच देंगे, कसाई के हाथ में बेचेगा ले जाके। मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को इसका पता चल गया तो हम मेरे बारे में क्या सोचेगा? मेरे मित्र ने जिसने मुझे मुफ्त में गाय दी है, अगर वो मेरे बारे में सुनेगा कि मैंने उसकी गाय को कसाई के हाथ में बेच दी तो क्या सोचेगा मेरे बारे में? यह सोच कर जो है उसे बहुत दुख हुआ और उसने अपनी पत्नी को सुनाया। वो मैंने स्क्रीन हटा दिया है। कसाई का मतलब होता है जो चिकन या फिर मटन काट कर बेचते हैं ना जानवरों को, जानवरों का मांस बेचते हैं, उनको कसाई कहते हैं। हाँ, स्क्रीन हटा दिया मैंने, मैंने पीपीटी हटा दिया है, टाइम हो गया है, इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है।